ना महात्मा गांधी। इन बातों को मैंने अक्सर अपने आस पड़ोस से सुनते हुए बड़ा हुआ और इवन मैं खुद इसको प्रयोग भी करता रहा। लेकिन मैंने जब गांधी को जानना और समझना शुरू किया तो ऐसा लगा कि इस शख्स से ताकतवर इंसान उस दुनिया में है ही नहीं। इस शख्स में आत्मविश्वास ऐसा कि 1917 में इस देश के राजाओं और अमीरों की ईश्वर की धज्जियां उड़ा दी। निडरता ऐसी कि न उन्हें जेलों से डर था और न अंग्रेजों के काले कानूनों से। उन्होंने खुद को कभी भी क्रांतियों का नेतृत्व करने से पीछे नहीं रखा। और त्याग ऐसा कि इस देश की गरीबी देख खुद का जीवन भी एक लाठी और एक धोती पे गुजार दिया। 22 का एक इंसिडेंट है, चोरी चौरा कांड के कारण उन्हें सजा देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में उनके दलीलों को सुन अंग्रेज जजों का सिर शर्म के मारे झुक जाता है और सजा देते वक्त वो कह उठते हैं कि आप जैसे महान व्यक्तित्व को सजा देना हमारे लिए शर्म की बात है। तो जो इंसान त्याग का स्वरूप था, मानवता का उदाहरण था और सत्य का समंदर था, उस इंसान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मात्र छलावा है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी होना चाहिए। सुनो, आज के ही दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, आज के दिन उनकी हत्या हुई थी, पर वो मरे कहां? बल्कि उन्होंने तो भारत करोड़ों भारतवासियों के दिलों में फिर से जन्म लिया। हो सकता है उस दिन पूरा भारत रो रहा होगा, पर विश्व को गर्व है कि उन्हें महात्मा गांधी जैसा अद्भुत इंसान और तथा शख्सियत मिला। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए। मत सुनिए उनकी बातें, उनकी बातें बहुत ही छोटी हैं। आप गर्व करिए, आप अपने आप को गौरवान्वित फील करिए कि आपका जन्म ऐसे देश में हुआ है जहाँ पे महात्मा गांधी जैसे शख्सियत का जन्म, मृत्यु और दोबारा जन्म हुआ। ये कहता कि आप गांधी की सारी बातें मान लो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ आप गांधी को पहचान लो, गांधी को जान लो। आश्चर्य होगा आपको गांधी जैसे शख्सियत से मिलकर, आश्चर्य और गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा उनकी ऐसी शख्सियत को पहचान कर, उनसे मिलकर सत्य तथा उसके मायने समझ में आएंगे। हंसी भी आएगी खुद पर कि आपकी उम्र में ही गांधी जी ने क्या क्या कर लिया। मजा आएगा उनको पढ़कर, उनके सत्य के प्रयोगों को जानकर। एक साहसिक यात्रा का अनुभव होगा जो इतना विराट और अद्भुत है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। और हाँ, गांधी कभी मरे नहीं, बल्कि आज भी जिंदा है। तो, इतनी